होटल बंद होने से मची सनसनी। सात जुलाई के बाद 12 जुलाई को विड्रॉल होने की थी जानकारी। बोरा के नए अपडेट ने उड़ा दिए बोरा प्रेमी के होश। ट्रेंडिंग एवं विड्रॉल के लिए 100 USD का करना होगा रिचार्ज। जिस बोरा से होती थी कमाई उसी बोरा में करना होगा $100 देकर रजिस्ट्रेशन। बोरा के विषय को लेकर दिन ब दिन बढ़ रही शिकायतें। जुलाई के बाद बोरा ने खोया नागरिकों का विश्वास। बोरा ऐप जैसे अन्य ऐप से रहे सुरक्षित। बोरा और अन्य ऐप द्वारा हुई धोखाधड़ी की दर्ज शिकायत पर पुलिस अधीक्षक का आह्वान। में भंडारा जिले के करोड़ों रुपए गबन की चर्चा। जिले में बोरा ऐप का विड्रॉल बंद होने के बाद बोरा प्रेमियों में सनसनी मच गई, जिसके बाद बोरा ऐप के विरुद्ध कुछ लोगों पर FIR दर्ज की गई थी। लेकिन बोरा प्रेमियों में 7 जुलाई और 12 जुलाई को बोरा का विड्रॉल और बोरा फिर से शुरू होने का वायरल मैसेज सोशल मीडिया पर चल रहा था। बोरा प्रेमियों को आशा थी कि 12 जुलाई को बोरा पूरी तरह से शुरू हो जाएगा, लेकिन बोरा के नए अपडेट ने भंडारा में सनसनी मच गई। जिस बोरा में 40 दिन में पैसे दोगुने होते थे, उस बोरा में अपडेट के बाद विड्रॉल के लिए $100 का रजिस्ट्रेशन करने की जानकारी ऐप में दी जा रही है। इस अपडेट के बाद बोरा प्रेमी सदमे में है। बोरा प्रेमी अब यह सोच में पड़ गए हैं कि क्या $100 डालकर क्या पैसे मिलेंगे, या ये भी डूब जाएंगे, या फिर जिन लोगों ने $100 डालेंगे क्या उनका विड्रॉल होगा या नहीं, ऐसी चर्चा बोरा प्रेमियों में चल रही है। BS क्राइम इंडिया न्यूज ने इसके पूर्व भी लोगों को जागरूक करने के लिए बोरा और अन्य ट्रेडिंग ऐप बंद या धोखाधड़ी होने की जानकारी दी थी। बता दें कि ऑनलाइन फ्रॉड ट्रेडिंग के माध्यम से लूटने का प्रयास बड़े पैमाने पर शुरू है, जिस पर अनेकों ऐप्स लोगों को धोखाधड़ी कर लूटने का काम कर रही है, जिसमें कम समय में रकम डबल करने के सपने दिखाकर लोगों को लूटा जा रहा है। लेकिन ऐसे ऐप्स पर अब भंडारा जिले में कार्रवाई शुरू हो गई है। जिस भी ऐप द्वारा लोगों को लूटा जा रहा है, वह लोग अपनी अपनी शिकायत नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर पुलिस स्टेशन में जाकर दे सकते हैं। पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी ने जानकारी दी है कि जिन लोगों ने धोखाधड़ी कर पैसे कमाए उन लोगों से पैसे वसूले जाएंगे। लगाए गए एक्ट के अनुसार जिन लोगों ने शिकायत दर्ज की है उन लोगों का पैसा शासन प्रशासन द्वारा दिया जाएगा। इस खबर के बाद बोरा जैसे अन्य ऐप के खिलाफ नागरिकों द्वारा शिकायत की जा रही है। BS क्राइम इंडिया ने उस धोखाधड़ी और कम समय में पैसा डबल या ट्रिपल करने वाले ऐप एवं अन्य माध्यमों से सुरक्षित और सतर्क रहने की अपील करता है। देखिए अगले पार्ट में क्या है बोरा, क्या है उसके नियम, कैसे बचे बोरा से। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।